भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में चांद नगर अमीनाबाग का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें मनपा के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक महिला पर हाथ उठाया है, जबकि मनीष जोशी का कहना है कि उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया है। ये भी बताया कि जिस जगह का ये वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ पर हाथ गाड़ी लगा कर धंधा किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई थी और एरिए को बैरिकेड लगाकर सील करने की वजह से लोग विरोध कर रहे थे। दरअसल मनपा की तरफ से जो कोविड-19 वॉरियर उस इलाके में सिलेक्ट किया गया है, इन लोगों ने उस कोविड-19 वॉरियर को धमकी दी थी, जिसके बाद मनपा की टीम सिर्फ उस व्यक्ति को बुला रही थी मगर उसके साथ में 3 से 4 महिलाएं भी इमारत से नीचे उतर आई और उस व्यक्ति से कई बार कहा गया कि आप महिलाओं के पीछे से बाहर आए मगर वो नहीं आया। इस दौरान खींचतान जरूर हुई और हालांकि उस व्यक्ति पर मामला भी दर्ज होता मगर मनपा ने ऐसा नहीं किया। हालांकि सरकारी काम में इन लोगों ने बाधा जरूर डाला था मगर अब सरकारी काम में बाधा डालने वाली ये महिलाओं ने मनपा से लिखित में खुद माफ़ी मांग ली है। वहीं मनीष जोशी ने भी कहा है कि बड़े भाई होने की वजह से मैं भी माफ़ी मांग सकता हूं। सुनिए मनीष जोशी ने क्या कहा है। लेकिन सर, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप मार रहे हैं, तो एक्चुअली में आप क्या उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे या उस महिला को मार रहे थे? क्योंकि वीडियो जो है वो क्लियर होना चाहिए, आप महिला को मार रहे हैं या ये कहा जा रहा है कि आप महिला को मार रहे थे? देखिए एक चीज, ये इसको क्लियर कीजिए कि आप एक्चुअली में किसको मार रहे। देखिए सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी को मार नहीं रहे थे, ना महिला को मार रहे थे ना व्यक्ति को मार रहे थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस व्यक्ति को हम बाहर खींच रहे थे क्योंकि वो लेडीज़ के पीछे खड़ा था, वो लेडीज़ के पीछे खड़ा था। आज भी मैं आपको बोलता हूँ कि हमें उन लेडीज़ से कोई शिकायत नहीं है, इसीलिए हमने उस व्यक्ति के खिलाफ 353 की केस नहीं की। देखिए रोज़ा के दिन चल रहे हैं, आज मेरे ख्याल से कौन सा रोज़ा चल रहा है, 22, मुझे पता है 20 रोज़ा हो गए थे, तो आदमी का स्टेट ऑफ माइंड, औरत हो या आदमी, डिस्टर्ब रहता है। हमें पता था, सीनियर साहब हमने यही सोचा कि अगर इस आदमी के खिलाफ हम 353 की केस करेंगे तो उसमें से जो एक लेडी है उसके खिलाफ भी हमें करनी थी। एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, इस मामले में वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है जफर भाई, उन्हें जब ये बात पता चली तो वो इमीडिएटली उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया। ही रिक्वेस्टेड मी, साहब मेरा इलाका है, अगर मेरी तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से कुछ गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उन्हें बोला भाई साहब आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ, प्रशासन यहाँ सिर्फ कार्रवाई करने के लिए आया है, हमें भी किसी लोगों को तकलीफ नहीं देनी एंड स्पेशली हमारी लेडीज़ का सम्मान हम करते हैं। आज आप ये देख लीजिए कि मेरी पूरी टीम, दो उनके कोविड के टेस्ट हो चुके हैं, इतना रिस्क लेके पूरा प्रशासन काम कर रहा है, सारे नगर सेवक वहाँ हैं, कोई भी उधर कार्रवाई करने के लिए नहीं आया था। कार्रवाई करनी होती तो अभी तक केस बन जाता। लेकिन वापस मैं क्लियर करता हूँ, इस मामले में मेरी जफर भाई से बात हुई, अगर किसी भी लेडी को गलत फहमी से अगर उन्हें ऐसे लगा कि प्रशासन की तरफ से थोड़ा हाई हैंडेड एक्शन हो गया तो ये जो हाई हैंडेड एक्शन है ये तो सबसे पहले क्लियर कर दूँ, प्रशासन का ये करने का ना कभी इरादा था और ना कभी इरादा होगा। उसके बावजूद भी अगर किसी को लगा है कि भाई हाई हैंडेड एक्शन हो गया है, तो ऑन बिहाफ ऑफ बुमराह प्रभाग समिति आई अगेन क्लियर कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। इनफैक्ट हमें उस एरिया का विकास करना है, हमें उस एरिया में ये इंश्योर करना है कि वहाँ कम से कम कोविड के केसेस हों। देखिए मैं वापस एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन के एक्शन से हमारी महिलाओं को ऐसे लगा कि हम हाई हैंडेड एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से इफ़ दे आर हर्ट, मैं अगेन क्लियर करता हूँ कि हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है, एंड इफ़ दे आर रियली हर्ट तो मैं एक बड़े भाई के नाते, मेरी जो बहनें हैं मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं एक बड़ा भाई हूँ, वो मेरी छोटी बहनें हैं, एक बड़ा भाई अपनी बहन से माफ़ी भी मांग सकता है, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। वो सारी लेडीज मेरी बहनें हैं, हमारे कल्चर में बहनों पे कोई हाथ नहीं उठाता और हमारे कल्चर में कोई भी भाई बहनों के पीछे छुपता नहीं है।
और इसी के चीज इसी का बनवाते और यही चिढ़ता हमें और इसीलिए उस आदमी पे हमने एक्शन लेने की सोची, लेकिन उस आदमी की वजह से हमारी बहनों पे भी एक्शन हो जाती, इसलिए हमने उस आदमी पे एक्शन नहीं लिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।